रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी को लेकर चर्चा चल रही थी कि शिवराज लगातार यहां अर्क तर्क बयान अपने दे रहे हैं, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो कांग्रेस भी कहीं की पीछे नहीं छूट रही है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में जब से हार मिली है कांग्रेस को, उसके बाद से कांग्रेस यहां लगातार कुछ ना कुछ बड़े बड़े बदलाव करती नजर आ रही है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अध्यक्ष चेहरे में बदलाव किया, कमलनाथ को हटाकर यहां जीतू पटवारी को यह पद दिया गया। हालांकि जीतू पटवारी अपनी विधानसभा सीट से हार गए थे, फिर भी यहाँ पर उनको जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। लेकिन जैसे ही जीतू पटवारी को ये कमान सौंपी गई, कमलनाथ बड़े अलग थलग से नजर आए हैं। बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस वक्त बयान भी शिवराज की तरह डगमगाने लगे हैं। कमलनाथ को लेकर ये चर्चा तेज हो चुकी है कि आने वाले दिनों में कमलनाथ कांग्रेस को एक झटका दे सकते हैं। जिस तरीके से 2020 में अपने विधायकों संग ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा झटका कांग्रेस को दिया था, क्या कमलनाथ भी सिंधिया की राह पर निकलेंगे? क्या सिंधिया के साथ भी यही हुआ था जो कमलनाथ के साथ हुआ है? सिंधिया को भी कांग्रेस में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों संग यहां दल बदल दिया। क्या कमलनाथ भी अपने विधायकों संग एक बड़ा खेल खेलते नजर आएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के जाने से कतई कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सिंधिया के जाने से पार्टी पर फर्क पड़ा था और ये फर्क अब तक पड़ता नजर आ रहा है? तो वो सिंधिया ही थे जो कांग्रेस को सरकार में ले आए थे। यहाँ कमलनाथ का क्या कहना है ये भी हम बताएंगे आपको कि कमलनाथ क्या ये चाहते हैं कि उनको अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। बताते चले कि जब कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि अध्यक्ष पद में बदलाव का, उससे एक दिन पहले कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे जनता को कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं आप सबके बीच ही रहूंगा। लेकिन अगले दिन देखिए क्या हुआ, अगले दिन ही कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया अपने पद से। जब यहाँ जीतू पटवारी को पद संभालने के लिए दिया गया तो कमलनाथ को अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद से कमलनाथ बहुत ही शर्मिंदा हो रहे हैं कि उन्होंने तो जनता से यहाँ कुछ और ही वादा किया था और पार्टी अलगमान ने उनके साथ एक बड़ा खेल यहाँ खेल दिया। क्या इस खेल खेलने का बदला कमलनाथ लेंगे अपने बेटे के साथ, नकुल के साथ मिलकर? क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में राय दें और देखते रहेगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।